और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। बहरोड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी को कॉलोनी में रहने वाले 4 लड़कों ने उसको और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर खेतों में बुलाया और उसके बाद मेरी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने इस घटना के संबंध में 30 तारीख को बहरोड थाने में शिकायत दर्ज करवा दी थी, लेकिन बहरोड पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। इसी को लेकर पीड़िता के परिजनों ने नीमराणा एडिशनल SP के सामने पेश होकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। लिखित शिकायत में कहा गया कि मेरी बेटी के साथ 4 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। DSP अतुल साहू ने बताया कि मेरे पास फाइल आज ही आई है, जिसे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। गांव के 4 आरोपी थे। 29 तारीख को मेरी लड़के के साथ गेंद राहुल, उदय, हिमांशु और सोनू, ये 4 लड़के थे और मैंने 30/1/2020 में FIR दर्ज करवाई है। उसके बाद में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे घर पे पथराव हो रहे हैं। मेरी बच्ची नाबालिग है। यहाँ पर आए आप क्या है? सुभाष संध्या एडिशनल ऑफिस SP ऑफिस में आया हूँ मैं। अब कल भी आया था, कल कोई नहीं मिला, शाम तक बैठा रहा। आज आया हूँ तो आप कुछ कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? बलवंत। मेरा नाम बलवंत है।